स्पेशल रिपोर्ट देख रहे आप, देखिए मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जिस अडानी का नाम लेती रहती है वही अडानी मेहमान बनकर शरद पवार के पास पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। पवार और अडानी के इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेता जो है बेहद संभल कर बोल रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी सूरत में मानहानि केस पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिस वक्त वो दिल्ली की गलियों में चाय पर चर्चा कर रहे थे, मुखर्जी नगर में आईएएस एस्पिरेंट्स के साथ बात कर रहे थे, ठीक उस वक्त सूरत से 458 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सियासी पिच नई करवटें ले रही थी। कांग्रेस के अडानी मुद्दे की हवा निकालने वाले शरद पवार की पॉलिटिकल पावर का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ। चमचमाती ब्लैक कलर की लग्जरी कार में सवार होकर गौतम अडानी मुंबई में शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पहुंच गए। दोनों दिग्गजों के दरमियान करीब 1.5 घंटे मीटिंग हुई। इधर शरद पवार अडानी के मुद्दे पर नई केमिस्ट्री सेट करने में लगे, उधर राहुल गांधी हर मंच पर अडानी का मुद्दा उठा रही है और इस बार भी उन्होंने ट्विटर पर अडानी के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी सेम पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत कितनी करवटें बदल रही है इसका अंदाजा एक और डेवलपमेंट से पता चलता है, क्योंकि अडानी और पवार की मीटिंग के बाद संजय राउत पवार से मिलने पहुंचे। 25 मिनट की मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, मुद्दे क्या थे, ये बताए बगैर संजय राउत शरद पवार के घर से निकल गए। महाविकास अघाड़ी में दरार की आशंकाओं के बीच शरद पवार की राजनीति को लेकर तमाम सुगबुगाहट है, लेकिन पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट शरद पवार और अडानी की मुलाकात से आया। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? इस पर कांग्रेसी खेमे में खामोशी के सिवा और कुछ नहीं। किससे मुलाकात हुई मेरी? मेरी उनकी उनके मुलाकात का मैं क्या करूं? वैसे बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि अप्रैल में ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक इंटरव्यू चर्चा में आया जिसमें अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर उन्होंने खुद सवाल उठा दिए। चर्चा होने लगी कि विपक्षी एकता की गाड़ी चलने से पहले ही पटरी से उतर गई। रही बात अडानी के मुद्दे की, तो उससे तो पवार पहले ही किनारा कर चुके हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार का मैसेज क्लियर है, मैसेज सीधा राहुल गांधी को है कि अघाड़ी का मसीहा एनसीपी ही है। शरद के स्टैंड से जितनी बेचैनी कांग्रेसी खेमे में है उतनी ही बौखलाहट सीपीआई में भी। शरद पवार जी मेरे ख्याल से उम्र के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो ये नहीं समझ पाते कि क्या सच है क्या गलत है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। कृपया मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से न लें। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिच पहले ही बाउंसी है, उस पर गौतम अडानी के साथ मुलाकात कर शरद पवार ने कांग्रेस पर नया बाउंसर दे मारा। ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र में पवार पावर के मायने क्या हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।